ओम शांति। आज एक ऐसी बात हम सुना रहे हैं जो एक समय यानी 1937 से लगभग 1940 तक ये बात बहुत जोर शोर से आवाज हुई थी, वैसे कि आज भी कोई कोई उस बात की चर्चा करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारिया कहते हैं दादा लेखराज के तन में भगवान आते हैं, दादा लेखराज सतयुग में जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। दादा लेखराज तो एक व्यापारी थे, वो तो एक ज्वेलरी थे, लेकिन दादा लेखराज कौन थे, क्यों आज तक उनकी चर्चा हो रही है, इस बात को हम यहां स्पष्ट करेंगे। और इतने में ही आप समझ सकते हैं दादा लेखराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसके बाद कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मर गए, सारे भारत की आबादी बदल गई, सारी दुनिया की आबादी बदल गई, लेकिन आज तक दादा लेखराज की बात की चर्चा हो रही है। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, क्या बात हुई थी? लोग इतना जानते हैं कि दादा लेखराज ज्वेलरी थे, एक व्यापारी थे, लेकिन कैसे ज्वेलरी थे उसका सबूत आप कलकत्ता में जाकर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने खुद आंखों से देखा। एक बार हम लोग यहां से मधुबन से माउंट आबू से कुछ भाई लोग कलकत्ता घूमने के लिए गए थे, और हम लोग खास देखने के लिए गए थे कि दादा लेखराज की ज्वेलरी की दुकान कहाँ थी, और वहां हमें एक भाई दिखाने के लिए लेके गए थे, और वहां हमने जाकर देखा, वहां जितने भी ज्वेलरी की दुकान है सभी दुकानों में एक ही जैसा ही बोर्ड है, दादा लेखराज की असली सोने चांदी की दुकान, दादा लेखराज की ज्वेलरी की दुकान, दादा लेखराज की असली ज्वेलरी की दुकान, सभी दुकानों में एक जैसा ही बोर्ड है। क्या मतलब है, इसका क्या रहस्य है? क्योंकि आप जानते हैं बाहर में मिलावट, धोखा, ठगी का डर है, लेकिन दादा लेखराज सच्चाई और ईमानदारी में पक्के थे, जिस कारण सभी दादा लेखराज से ही ज्वेलरी यानी सोना हीरा खरीद करना पसंद करते थे, और खास राजाएं महाराजाएं ही लेखराज दादा के ग्राहक थे। और जब अचानक लेखराज दादा ने अपना धंधा छोड़ा तो सभी अपने धंधे की बढ़ाव के लिए दादा लेखराज के नाम पर अपनी दुकानों में बोर्ड लगा दिया कि दादा लेखराज की असली सोने चांदी की दुकान, दादा लेखराज की असली ज्वेलरी की दुकान। अब हमें समझना है कि दादा लेखराज ने ये आलीशान धंधा छोड़ा क्यों। भले ही दादा लेखराज एक ज्वेलरी थे, व्यापारी थे, लेकिन दादा लेखराज एक भक्त भी थे, इस संसार से वो उपरांत थे। दादा लेखराज अपने घर के आंगन में अलग अलग गुरुओं के द्वारा हमेशा सत्संग करवाते थे। एक दिन सत्संग में बैठकर दादा लेखराज को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया, उसके बाद उन्होंने कलयुग का विनाश का साक्षात्कार किया। जबकि 1936-7 में कोई मिसाइल बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने साक्षात्कार के द्वारा देखा कि मिसाइलों की बरसात होते हुए और एक एक मिसाइल धरती पर गिरते ही जैसे कि देश के देश आग में लिपट जाते हुए देखा, और कहीं सिविल वार में कई तलवार से, बंदूक की गोली से लाशों के ढेर लगाते हुए देखा, और कहीं भूकंप से तस नस होकर सब गिरते हुए देखा, सागर धरती को हप करते हुए देखा। यह कलयुग का विनाश का साक्षात्कार होने के बाद दादा लेखराज इस दुनिया से अति वैराग हो जाते हैं, रोने लग पड़ते हैं। उसके बाद दादा लेखराज को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उन्होंने देखते हैं कि सभी आत्माएं परमात्मा के साथ परलोक जाते हैं। उसके बाद धरती शांत हो जाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं, और ऊपर से आत्माएं आकर देवी देवता बनते हैं, स्वर्ग बन जाते हैं। फिर परमात्मा उनको आदेश करते हैं कि ऐसे दुनिया बनाने के लिए आप निमित्त बनो। तब तक दादा लेखराज एक व्यापारी थे, एक ज्वेलरी थे, लेकिन उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, कोई सिद्धि नहीं थी, कैसे क्या करेंगे उनको भी कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी दादा लेखराज के संपर्क में आते थे उन्हों को भी वही साक्षात्कार होता था। और जब सबको सहज साक्षात्कार होने लगा, सहज ही किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, किसी को विष्णु का, किसी को स्वर्ग का, किसी को परलोक का,
इस प्रकार से सहज ही जैसे साक्षात्कार होने लगा, सभी ढेर के ढेर दादा लेखराज के सत्संग में आने लगे। तब दादा ने अपना ये ज्वेलरी का धंधा बंद कर दिया और बंद करके जो भी दादा के पास प्रॉपर्टी थी, चल अचल प्रॉपर्टी, सरकारी रजिस्टर्ड करके ये ईश्वरीय कार्य में सब कुछ समर्पण करते हैं। अर्थात 8 लोगों को ट्रस्ट बनाकर ये सारी प्रॉपर्टी विल करते हैं। तब यह ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ओमंडली संस्था के नाम पर स्थापन होता है। और उसी समय जो उस स्थान के आसपास में जो भी बड़े बड़े पद पर थे और बड़े ऊंचे खानदान के थे, वे लोग भी लिखत के साथ अपने परिवार के परिवार सहित समर्पित के रूप में इस यज्ञ में, माना इस संस्था में शामिल होते हैं। और परमात्मा ने जब यह आज्ञा करते हैं कि एक कलयुग खत्म होकर सतयुग बनना है, स्वर्ग बनना है और स्वर्ग में हमें जाकर देवी देवता बनना है, तो यह हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, हमें यहाँ संपूर्ण ब्रह्मचर्य रहना है। परमात्मा के इस आज्ञा के बाद वही लोग जो बड़े बड़े पद पर थे और इस संस्था में मुख्य मेंबर के रूप में शामिल थे, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। और जब उन्होंने बच्चे और उन्होंने बीबी दादा लेखराज का ये सत्संग छोड़ने के लिए अस्वीकार किया, इनकार किया, तो पहले पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया। उस समय ऐसे कई फैमिली थे जो दादा लेखराज का ये सत्संग छोड़ा नहीं, उन्होंने हट करके बैठे रहे, लेकिन सरकार के कायदे कानून के अनुसार उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके अपने परिवारों को वापस नहीं ले पाए, तो उन्होंने इस सत्संग को बंद करने के लिए विद्रोह करना शुरू किया, आंदोलन पिकेटिंग करना शुरू किया और दादा लेखराज के नाम पर बदनाम करना शुरू किया। लेकिन कितना भी बदनाम करे, कितना भी पिकेटिंग किया, धीरे धीरे यह संस्था वृद्धि होते होते आज विश्व में 140 देशों तक पहुंच गए और आज विश्व राष्ट्र संघ में ऑफिशियली वहां ब्रह्मा कुमारी के नाम पर ऑफिशियली परमानेंट ऑफिस है और विश्व राष्ट्र संघ से इस संस्था को शांति दूत की उपाधि भी मिली हुई है। यहां तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनते हैं ये दादा लेखराज। अगर कोई ये कहते हैं दादा लेखराज तो आयाशी थे, ये उनकी अज्ञानता है, ये उनका भ्रम है, क्योंकि अगर बुद्धि है, विवेक है, तो सहज समझने की बात है। विश्व में 140 देशों में कोई इस्लाम कंट्री, कोई बुद्धिस्ट कंट्री, कोई क्रिश्चियन कंट्री, ऐसे भी जहां देश है जहां शराब पीना, वस्त्रहीन होकर चलना, एक दूसरे को किस करना वो कॉमन बात समझते हैं, लेकिन उन लोगों को उन बातों से छोड़ा कर भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता, मर्यादा सिखाना, अर्थात शरीर को पूर्ण ढके हुए ड्रेस पहनना सिखाना, ये कोई आयाशी व्यक्ति का काम नहीं है। अब भारत में भी देखिए, वही पश्चिमी कल्चर भारत में आ रही है। यहाँ के यूथ कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसे फैशन करते हैं, फैशन से दूसरों को आकर्षण करना शान समझते हैं, और ऐसे यूथों को उन फैशनों से छुड़ा कर सादगी और तपस्या जीवन सिखलाना, ये कोई आयाशी व्यक्ति का काम नहीं है। आज पूरे विश्व में लगभग हमारे 50,000 समर्पित जो ब्रह्मा कुमारी टीचर बहने हैं, उन्होंने की सादगी जीवन को देखें और आप विवेक से विचार कीजिए, क्या ये कोई आयाशी व्यक्ति का काम है? नहीं। तो यहां तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनते हैं ये दादा लेखराज। अब हमें समझना है कि ये दादा लेखराज ब्रह्मा कैसे बन गए, लेकिन बातें बहुत हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को समय कम होता है, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करता है। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा के रखिए, अगले वीडियो डालते ही आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे कि ये दादा लेखराज ब्रह्मा कैसे बन गए, अर्थात ये दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा कैसे पड़ा। ओम शांति।